दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिलिप्स एसेंशियल सेल्फी हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू। इसे हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ साथ इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाया है और अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने भी इसे खोलकर नहीं देखा है, मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। इसको अनबॉक्सिंग करने का और इसको रिव्यू करने का पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पता नहीं फ्रेंड्स ये कैसा होगा प्रोडक्ट, मैं इसे आप लोगों के सामने ओपन भी करूंगी, रिव्यू भी करूंगी और साथ ही साथ डेमो भी करूंगी कि ये कैसा है। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। फिलिप्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसका नाम ही काफी है, इसीलिए हम आंख बंद करके इस ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये मेरा बिल है और ये इसका बॉक्स है। तो फ्रेंड्स बॉक्स के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरह का आएगा। ये अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, मैं ओपन करूंगी। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सेरेमिक कोटिंग के साथ आता है, जिससे आपके बालों में अगर आप जैसे अपने बालों को स्ट्रेट करोगे ना तो उसमें खराबी नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्टली आयरन करोगे ना अपने कपड़ों में या किसी भी चीज पे, तो क्या होता है कई बार कपड़े अजीब से हो जाते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं तो कैसे अजीब से हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम डायरेक्टली अपने बालों में भी इसके साथ आयरनिंग करेंगे तो हमारे बाल भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल भी बहुत ज्यादा सिल्की रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ सिरेमिक कोटिंग दी रहती है ताकि आपको आपके बालों को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है फिलिप्स स्ट्रेटनर एसेंशियल सेल्फी स्ट्रेटनर ऑलवेज रेडी मेड इजी। ये देखिए यहाँ पे सिल्क प्रो केयर लिखा हुआ है, 210 डिग्री में आप ये टेम्परेचर है इसका, और ये सेरेमिक कोटिंग के साथ आता है जो कि मैंने अभी भी आपको बताया, और साथ ही साथ ये हीट हो जाता है 60 सेकेंड्स के अंदर। तो ये सब हम अभी देखेंगे कि वाकई में जो इन्होंने लिखा है वो सही है या नहीं। तो चलिए इसे अब ओपन कर लेते हैं। ओपन मैं यहाँ से करती हूँ, ये देखिए ये ओपन हो चुका है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स, इसके अंदर एक ये क्या दिया हुआ है, एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है, इसके अंदर सारी बातें लिखी होंगी। तो आप अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी समझने में या कुछ दिक्कत आएगी तो आप इसे एक बार जरूर से रीड कर लें, इसके अंदर सारी बातें अच्छी तरह से लिखी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी मैं साइड करती हूँ और अब जो है फ्रेंड्स इसे निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको इसकी वायर को इस तरह से बांध के दिया हुआ है ताकि ये बिखर ना जाए इधर उधर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने निकाल लिया, काफी छोटू सा है ये। ये देखिए जैसा हमने इस बॉक्स के ऊपर देखी थी जैसी पिक्चर, वे बिल्कुल वैसा ही है, स्मॉल सा है, काफी छोटा सा है। वाओ, इसकी जो ये केबल इसका लगा हुआ है ना, ये चारों तरफ घूम जाता है ताकि जब आप इधर इस तरफ के बाल को भी अगर आप स्ट्रेट कर रहे हो या इस तरफ के भी, जैसे भी इसको घुमाना पड़ता है और ये प्लग इन किया रहता है तो ये आराम से इस तरह से घूम सके, इसीलिए इसको उस तरह से ही बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बिल्कुल नजदीक से आपको दिखाती हूँ, ये जो सिरेमिक कोटिंग की हुई है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल नजदीक से दिखाया है, बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे लगा दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने की है। ये देखिए यहाँ पे एक स्विच भी है, ये ऑन ऑफ का सिस्टम है, ये ऐसे करोगे तो ऑन और ऐसे करोगे तो ऑफ। इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो 1295 है, पर ये मुझे मिला है, मैं आपको बिल शो करती हूँ आपके सामने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे मिला है 1087 रुपीज में, 200 रुपए के आसपास ये मुझे डिस्काउंट में मिला है। तो फ्रेंड्स मैंने इसे प्लग इन कर लिया है, अब देखते हैं इसको गरम कैसे करना है। तो ये यहाँ पे एक स्विच है, इसे हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइट है ये ऑन हो गई है और ये 60 सेकंड में हीट हो जाएगा। तो जब तक वो गरम होता है तब तक हम अपने बालों को कोम कर लेते हैं। फ्रेंड्स कोम इस तरह की होनी चाहिए, बड़ी टूथ वाली, ये बड़े दांतों वाली कोम आप लीजिएगा और हमेशा स्ट्रेटनिंग करने से पहले कोम जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स मेरे बैक साइड के बाल कितने वेवी है और स्ट्रेटनिंग करने के बाद ये कैसे लगते हैं उसका भी पूरा लुक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। थोड़ा दूर से इसे थोड़ा स्प्रे कर ले आप इसका। और फ्रेंड्स इस साइड के बालों को मैंने स्प्रे नहीं किया है, बिना स्प्रे किए ही मैं इस पे इस तरह से स्ट्रेटनर चला रही हूँ, सिर्फ
दो से तीन बार आपको स्ट्रेटनर चलाना है, स्कैल्प के बिल्कुल बगल से आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्ट्रेट ही रहते हैं हमारे बाल, थोड़े से वेवी रहते हैं, तो वो थोड़े आधे पार होने के बाद यहाँ से वेवी रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़े थोड़े से बालों को स्ट्रेट किया है, ये मैंने बिना स्प्रे के किया है, बिल्कुल नजदीक से आपको दिखाती हूँ। यहाँ की आप एक बार शाइन देखिएगा, और इस साइड के बालों में मैंने जो मैंने स्प्रे बनाया था DIY करके, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, वो अप्लाई करके किया है, तो आप बालों में फर्क देखिए, यहाँ के बालों में अलग ही शाइन है और यहाँ के बालों में शाइन थोड़ी सी कम है, आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, और यहाँ के बाल उतने सॉफ्ट नहीं है जितने कि ये। इस साइड के बालों को मैं स्ट्रेटनिंग कर तो रही थी पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे बाल खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, पर आप लोगों को दिखाना था इसीलिए मैंने बिना वो हेयर स्प्रे के ही यहाँ पे स्ट्रेटनिंग किया है, और ये मैंने स्प्रे लगा कर किया है फ्रेंड्स। दोनों में डिफरेंसेस आप बिल्कुल नोटिस कर पा रहे हो, देखो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही, और शाइन देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितनी ज्यादा है, और यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स ये थोड़े से मुझे कम सॉफ्ट लग रहे हैं। जब मैं पूरे स्ट्रेट कर लूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स एक बार, तो ये मैंने आपको डेमो करके बता दिया, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको विदाउट और विथ जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे बनाया है उसके साथ मैं आपको अपने बालों को स्ट्रेटन करके बताऊंगी, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप अपने सामने ही खुद से आप नोटिस कर पाओगे, तो देख लीजिए फ्रेंड्स आप खुद से। तो देखिए फ्रेंड्स सिर्फ 5 मिनट ही मैंने अपने बैक साइड के बालों को स्ट्रेटन करने की कोशिश की है, मैं खुद से अच्छे से नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैंने आपको दिखाना था इसीलिए मैंने ट्राई किया है, इतने में ही इसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। ये अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है क्योंकि मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, तो इसको भी ऑफ कर देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा वर्क किया मेरे बालों में। तो अब मुझे नहीं पता जो बिल्कुल कर्ली, जिनके हेयर बहुत ही ज्यादा वेवी होंगे, उनके बालों में ये वर्क करेगा कि नहीं, पर जहां तक मुझे लग रहा है वहां भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे से मेरे बालों को स्ट्रेटनर ने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, और बहुत ही बालों में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे, मैं इसे 10 out of 10 देना चाहूंगी। अगर आप स्ट्रेटनर लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये स्ट्रेटनर आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 1087 में आपको अच्छा स्ट्रेटनर मिल रहा है, और ब्रांड बहुत अच्छा है फिलिप्स का, जिसे हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इस स्ट्रेटनर के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं इसे 10 out of 10 देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मैंने जो बालों को भी आपके सामने स्ट्रेट किया, मुझे इतने में ही समझ में आ गया है कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई स्ट्रेटनर इस्तेमाल किए हैं, उनके मुकाबले मुझे ये स्ट्रेटनर काफी ज्यादा पसंद आया है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये स्ट्रेटनर एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जाने से पहले इसे एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये सेल्फी स्ट्रेटनर पहले से लिया हुआ है तो आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश रहना पसंद करती हैं, फैशन में रहना पसंद करती हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूंगी जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेटन करें ना, आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर अपने बालों में इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होते, आपके बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की शाइनी रहते हैं और काफी ज्यादा मैनेजेबल भी रहते हैं। तो ये स्प्रे मैंने आपको इस्तेमाल करके अपने बालों को स्ट्रेटन करके दिखाया है। अगर आप यही वाला इस तरह का DIY स्प्रे बनाना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, और चाहे आप ना भी बनाओ, अगर आपको बनाने में कोई भी आलस आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप यही वाला बना लो, मेरा वीडियो देखकर ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मार्केट से भी आप ले सकते हो, मार्केट में भी मिलते हैं, ये ऑलवेज बेटर होता है मार्केट के ज्यादा केमिकल वाली चीजों से, तो इसीलिए मैंने इसे DIY करके बनाया, और ये बहुत अच्छा वर्क भी करता है। अगर आप भी चाहते हो इस तरह का स्प्रे बनाना तो मेरा वीडियो जरूर से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।